हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता गुप्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर फॉर 30 इयर्स। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और नॉलेज है रेकी हीलिंग को बढ़ाने के लिए, हाउ टू इंक्रीज योर रेकी पावर। तो मैं पिछले लगभग एक साल से कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ अपने साथ, नेचर के साथ जुड़ के, कि हम रेकी हीलिंग को कैसे इम्प्रूव करें। और मैंने बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स देखे हैं। जो चेंजेस मैं अपनी लाइफ में लाई हूँ, उससे मैंने महसूस किया है कि मेरी रेकी एनर्जी का जो फ्लो है वो पहले से 20-30 टाइम्स मोर हो गया है। तो जो हीलिंग 10 दिन में काम करती थी, वो हीलिंग अब 2-3 दिन में काम करने लगी है। तो उसके लिए बहुत सारे बेसिक चेंजेस मैं खुद में लाई हूँ, खुद की दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में, खाने फूड हैबिट्स में, और लाइफस्टाइल में लाने से मेरी एनर्जी हीलिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो वो टिप्स, वो वीडियोस मैं आपके लिए अब लाऊंगी कि अपनी रेकी हीलिंग में आप क्या क्या इनकॉर्पोरेट हमें करना चाहिए, कैसे कैसे हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तला हुआ बाजार का खा लिया और उसके बाद रेकी हीलिंग करने बैठ गए, तो उसका इम्पैक्ट मैंने देखा इतना अच्छा नहीं होता। मैं भी तला भुना खाती थी, कचौरियाँ, और जैसे फेस्टिव सीज़न में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, उसका इम्पैक्ट मेरी रेकी हीलिंग में पड़ता था। क्योंकि कई बार मुझे हीलिंग करते करते नींद आ जाती थी। आप में से कितने लोगों को रेकी हीलिंग करते हुए नींद आती है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना ज़रूर कि रेकी हीलिंग करते करते नींद आ जाती है। और ये एक पिटफॉल भी है, रेकिंग हीलिंग करते वक्त हमें जितनी अवेयरनेस रहेगी उतनी हमारी रेकी हीलिंग पावरफुल होती चली जाएगी, और उतनी रेकी हीलिंग आप अच्छे से कर पाओगे अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। तो जो बदलाव मैंने लाए हैं, जो रेकी हीलिंग के साथ इनकॉर्पोरेट करना है, वो मैं आपके साथ थोड़े थोड़े दिनों में शेयर करती रहूँगी। तो एक मेजर चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, कैन आई हैव वो वाटर, कैन पानी पकड़ाइएगा ज़रा। तो एक है पानी, जो पानी मैं बहुत ज़्यादा अब पीने लगी हूँ। तो मेरा वेट अराउंड 75-76 केजी था, जो रिड्यूस होके 68-69 केजी हो गया है। वो इस वजह से हुआ है कि मैंने पानी बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दिया है। मैं सिप सिप करके लगभग 4 लीटर, मोर देन 4 लीटर्स एवरी डे पीती हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रेकी हीलर्स के लिए, या वैसे भी हेल्दी रहने के लिए भी, कि आप पानी का इनटेक बहुत बढ़ाएं। तो जिस व्यक्ति का वेट 60 किलो है, उसे 3 लीटर तो मिनिमम पीना ही चाहिए लाइफ में। अगर मेरा 80 किलो है तो मुझे 4 लीटर पीना चाहिए। और ये पानी जो है हमारी बॉडी से वॉश आउट होता है। पानी एक बहुत, हम लोगों ने बहुत वीडियोस मैंने भी बनाए हैं, लोगों के भी मैं देखती हूँ, पानी को आप चार्ज कर रहे हो और उस पानी को चार्ज करके पियो और उससे आपका ये विश पूरा हो जाएगा, वो ये विश पूरा हो जाएगा। तो वो अच्छी चीज़ है, वाटर चार्ज करें, बट वाटर को पिए भी, अब आपने एक ग्लास ले लिया जो 200 ml से ज़्यादा नहीं होता, पूरे दिन में आपने उसको चार्ज करके पिया है, तो वो वर्क नहीं करने वाला। ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अपनी लाइफ में देखे हैं। मैंने जब से 4 लीटर पानी शुरू करा है, रेकी हीलिंग दी है अपने 4 लीटर पानी पीने के बाद, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, तो जो मेरे रिजल्ट्स हैं बहुत ऑसम आए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, हीलिंग पावर में, लोगों को हेल्प करने में, तो 4 लीटर जितनी भी बीमारियाँ हैं आपकी, टॉक्सिसिटी सारी निकल जाती हैं। अब गर्मियाँ आ गई, गर्मियों में पानी पीना बहुत आसान है। मैंने तो सर्दियों में भी 4 लीटर पानी, 6 लीटर पानी पिया है ताकि मेरा वेट लॉस हो। तो जिन लोगों को वेट लॉस करना है, अच्छी हीलिंग करनी है, तो पानी जब आपकी टॉक्सिसिटी को वॉश ऑफ करेगी, और जो आप जब आप अंदर से कम नेगेटिव होंगे, आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो जो हैं धुल गए हैं पानी से, और उन, क्योंकि जो एनर्जी जा रही है उन सेल्स के द्वारा ही तो जा रही है। आपका एक एक बॉडी सेल जो है, उस समय जब आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो बेचारा तो मरा पड़ा है अंदर से, और हम पॉजिटिव हीलिंग, पॉजिटिव सोच ही करे जा रहे हैं। तो पॉजिटिव अगर हम सोच रहे हैं तो थोड़ी देर बाद हमारी पॉजिटिव थॉट्स भी चली जाती हैं, वो नेगेटिविटी में चली जाती हैं, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर नेगेटिविटी है। आपके सेल्स जो हैं सुकड़ गए हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स को पानी की ज़रूरत है, लिवर को, पैनक्रियास को, हार्ट को, हर चीज़ को पानी की ज़रूरत है। तो हम पानी तो पी नहीं रहे हैं, तो हर बार पानी को सिप सिप करके पिए
इसमें रेकी हीलिंग भी करते रहें, आप जैसे पी रहे हैं तो उस समय एफर्मेशंस करते हुए पिए, पानी को पीते वक्त एफर्मेशंस करें कि ये पानी मुझे हेल्दी बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, पावरफुल बना रहा है। और ये आप अपने क्लाइंट्स को भी पानी इसी तरह से पीते हुए बोल दे सकते हैं कि वो अपने वेट के हिसाब से इतना पानी पिए, 20 kg पे 1 liter पानी, तो उसकी हीलिंग बहुत अच्छी होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है पानी का फॉर रेकी हीलर्स। ये मैंने खुद अपने पर्सनल लेवल पे चार्ज किया, जो मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा कि लोग पानी कितना पीना चाहिए। बस रेकी सब ने डाल दिया, पानी को चार्ज करो और पी लो, कितना पानी पियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पानी का आपने ध्यान रखना है, रेकी हीलर्स, रेकी ग्रैंड मास्टर सबके लिए टिप है। तो मैं ये अब नए नए टिप्स लेके आऊँगी जो किसी ने नहीं बताए हैं आपको, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकली कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ। तो ये आप करिए और रिजल्ट्स को शेयर करिए, मुझे बताइएगा। तो प्लीज़ वीडियो इस वीडियो को शेयर करें इफ़ यू थिंक कि दिस वीडियो हैज़ ब्रॉट वैल्यू टू यू, आपने कुछ नया सीखा। और रेकी हीलिंग सीखने के लिए मुझे कॉल करिए 9811142249। थैंक यू।